हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, V70 न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। जी हां, उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज होने लगी है। तो क्या उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं या कांग्रेस के हरीश रावत सत्ता में वापसी को तैयार होंगे? उत्तराखंड का सियासी रंगमंच किसका होगा या जनता के मन में बदलाव की भावना? कोई बड़ा उलटफेर संभव है। चलिए सीधे ओपिनियन पोल की ओर चलते हैं। आपको क्षेत्रों की बात करें तो अल्मोड़ा क्षेत्र सामने निकल आ रहा है। जी हाँ, अल्मोड़ा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है। जी हाँ, 3 सीटें कांग्रेस खाते में जाती दिख रही है, वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में जा सकती है। देहरादून की 10 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। जी हाँ, देहरादून क्षेत्र सामने निकल आ रहा है। देहरादून की 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को जा सकती है, वहीं 5 सीटें कांग्रेस को जा सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में जा सकती है। तो 6 सीटों के साथ बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। वहीं 8 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं संतों की नगरी हरिद्वार में। जी हाँ, हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है, वहीं 4 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है, वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में जाते दिख रही है। 12 सीटों के साथ बीजेपी कांग्रेस सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। रुद्रप्रयाग क्षेत्र की ओर चलेंगे। जी हाँ, रुद्रप्रयाग की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी खाते में जा सकती है, वहीं 1 सीट कांग्रेस अपनी पार्टी में ले जा सकती है। वहीं 0-0 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। 13-13 सीटों के साथ बीजेपी और कांग्रेस बराबरी कर चुकी है। जी हाँ, चलते हैं अगले क्षेत्र की ओर। तो क्या पुष्कर सिंह धामी 2017 के चुनावी आंकड़ों को दोहरा पाएंगे या कांग्रेस करेगी चमत्कार? चामोली क्षेत्र की ओर चलते हैं। जी हाँ, चामोली क्षेत्र की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को जा सकती है, वहीं 1 सीट कांग्रेस को जा सकती है। आम आदमी पार्टी को 0-0 सीटें मिल सकती है। बागेश्वर क्षेत्र की ओर चलेंगे। जी हाँ, बागेश्वर क्षेत्र सामने निकल आ रहा है। बागेश्वर क्षेत्र की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को जा सकती है, वहीं 1 सीट कांग्रेस को भी जा सकती है। आम आदमी पार्टी का यहाँ भी सुपड़ा साफ हो सकता है। तो ध्यान दे, बड़ा आंकड़ा, 15 सीटों के साथ कांग्रेस पिछड़ चुकी है, वहीं बीजेपी को 16 सीटें मिल चुकी है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। चलेंगे अगले क्षेत्र की ओर। चंपावत की 2 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। जी हाँ, चंपावत की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, वहीं 1 सीट कांग्रेस खाते में जाते दिख रही है। 0-0 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में जा सकती है। चलेंगे उधम सिंह नगर की ओर। जी हाँ, उधम सिंह नगर सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ, उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को जा सकती है। जी हाँ, 5 सीटें कांग्रेस को भी जा सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी को जा सकती है। जी हाँ, उधम सिंह नगर ही वो क्षेत्र है जहाँ पुष्कर सिंह धामी का विधायकी क्षेत्र स्थित है। तो क्या पुष्कर सिंह धामी यहाँ दबदबा बना पाएंगे? 20 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी 21 सीटें प्राप्त कर चुकी है, वहीं 20 सीटें बीजेपी को मिल चुकी है, 4 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में जा रही है। पौड़ी गढ़वाल की ओर लौटते हैं। जी हाँ, पौड़ी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को जा सकती है, वहीं 3 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही है, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। यहाँ पे चलते हैं उत्तरकाशी क्षेत्र की ओर। जी हाँ, उत्तरकाशी क्षेत्र की 3 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। 1 सीट बीजेपी को जाती दिख रही है, वहीं 2 सीटें कांग्रेस को जा सकती है। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। यहाँ पे 23-26 के आंकड़े के साथ बीजेपी और कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। चलते हैं टिहरी गढ़वाल क्षेत्र की ओर। जी हाँ, टिहरी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को जा सकती है, वहीं 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अपने खाते में ले जा सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में जा सकती है। 24-30 का अनुपम आंकड़ा। चलते हैं हरीश रावत के करीबी जिले नैनीताल की तरफ। हाँ, नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को जा सकती है, वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी को जा सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। ध्यान दे, 26 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, वहीं 33 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना जोर लगा रही है। चलते हैं अंतिम जिले की ओर। जी हाँ, पिथौरागढ़ जिले की बात करेंगे। पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ हो सकता है, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में जा सकती है। तो मिल चुके हैं सर्वे के सभी परिणाम। जी हाँ, उत्तराखंड एग्जिट पोल में 26 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, वहीं 36 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, वहीं 8 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते हैं दिख रही है। जी हाँ, क्या सर्वे में मिले आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने को तैयार है या बीजेपी कुछ नया दाव लगाती है? यदि आप उत्तराखंड से हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। किसे आप उत्तराखंड के अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।